अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली अभी हम दुबई पहुंच गए हैं और हम दुबई में जिस जगह हैं, इस जगह को कहते हैं दुबई फ्रेम, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेम है जिससे दुबई को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आमतौर पर लोग बुर्ज खलीफा से दुबई की ऊंचाई को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली एक फ्रेम बनाया गया है, तो हम उससे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं दुबई को। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको भी हम दिखाते हैं दुबई का एक यूनिक और नया नज़ारा। तो दुबई फ्रेम में जाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होता है टिकट। तो हम टिकट लेने के वास्ते सबसे पहले पहुंचे टिकट काउंटर पर। तो हमने वहां पर से टिकट हासिल किया और उसके बाद हमने गार्ड को दिखाकर अंदर दाखिला लिया। सो टिकट ले लेने के बाद हम जा रहे हैं दुबई फ्रेम की जानिब। इसकी बुनियाद साल 2018 में पड़ी थी और इसकी जो ऊंचाई है तकरीबन 150 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 95 मीटर से ज़्यादा है। तो हमारे सामने है दुबई फ्रेम। इससे आप पुराने दुबई को, ओल्ड दुबई जो कहलाता, उसको बड़े अच्छे से देख सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये दुबई फ्रेम है और इसका जो कलर है वो बिल्कुल ही सुनहरा है, जो आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सा एक फाउंटेन है जहाँ पे लोग फोटोग्राफी करा रहे हैं। हम भी चलेंगे उधर, लेकिन सबसे पहले हम ये दुबई फ्रेम का मंजर देखते और दिखाते चलें आपको। तो दुबई फ्रेम के ऊपर जाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम इंट्रेंस से अंदर दाखिल हों, और जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि दुबई फ्रेम का जो मेन मकसद है वो हमें दिखाया जाए। तो सबसे पहले जब हम इंटर होते हैं तो हमें दुबई के पुराने दिनों को दिखाया जाता है, यानी पुराने दिनों में यहाँ पर लोग किस तरह से सफ़र कर रहे होते हैं, या लोग यहाँ पर किस तरह से रह रहे होते हैं, या लोग यहाँ पर किस तरह से कारोबार कर रहे होते हैं। उन सारी चीज़ों को उन्होंने अलग अलग ढंग से डिजिटाइज वे में पेश किया, जिससे देखकर आज से 100 साल पुराने दुबई को आप अपने आँखों के सामने देख पा रहे होते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हम पहुँचते हैं लिफ्ट की जानिब, और थोड़ी देर वहाँ पर इंतज़ार करने के बाद हमारी बारी आ जाती है और उसके बाद हम लिफ्ट में दाखिल होते हैं और लिफ्ट हमें बुलंदियों पर ले जाती है और धीरे धीरे हम दुबई की ऊंचाई पर पहुँच जाते हैं। ऊपर हमारे ही तरह सैकड़ों की तादाद में पहले से लोग वहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि हम जिस दिन पहुँचे थे उस दिन काफ़ी धुंध था, तो हमें जो नज़ारा है वो काफ़ी साफ साफ नहीं दिख रहा था, यानी जो नज़दीक का इलाका है वही हमें दिख रहा था, बाकी दूर का इलाका हमें नहीं दिख पा रहा था। तो अभी हम दुबई फ्रेम के ऊपर हैं, तो यहाँ पर का मंज़र आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये ओल्ड दुबई है, यानी पुराना दुबई। पुराना दुबई यानी आज से 50 साल 40 साल पहले का दुबई, और मेरे ठीक अपोजिट पे उस साइड वो नया दुबई है, यानी बुर्ज खलीफा उस जानिब है। तो यहीं पे हम आए थे, आपने देखा। तो ये जितना डरावना है उतना एक्साइटिंग भी है, जिसको आप देख रहे हैं 150 मीटर की ऊंचाई है और हमारी हालत है ख़राब। थोड़ी देर ऊपर गुजारने के बाद, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेने के बाद, हम वापस चलते हैं नीचे की जानिब। तो नीचे फिर हमें वैसे ही जाना था जिस तरह से हम ऊपर आए थे, यानी हम लिफ्ट की जानिब जाते हैं और हम लिफ्ट का इस्तेमाल कर ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं। और जब हम नीचे पहुंचते हैं तो नीचे का नज़ारा बिल्कुल ही जुदा, बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही यूनिक था। यानी जब हम इंटर कर रहे होते हैं तो हमें पुराना दुबई दिखाया जाता है, यानी आज से 50 साल 60 साल 100 साल पहले का दुबई। लेकिन जब हम अंदर से बाहर की जानिब निकलते हैं तो हमें मौजूदा दुबई से लेकर फ्यूचर में होने वाला दुबई का नज़ारा दिखाया जाता है, यानी आने वाले दिन में दुबई में जो भी इनोवेशन होंगे उसे हमें दिखाने की कोशिश की गई थी। तो ये अपने में एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही नायाब एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमने एक साथ दोनों दौर को यहाँ पर देखा। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर नबील हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा नबील आपका? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अंदर का हिस्ट्री के बारे में भी एंटर करते हुए आपको दिखाते हैं यूएई के, एंड एग्जिट में फ्यूचर के बारे में दिखाते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत यूनिक चीज़ है कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि 100 साल पहले ये क्या थे और अब क्या हैं और आगे ये क्या होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बड़ी आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी, इंट्री और एग्जिट में ही। तो ये काफ़ी बेहतरीन, नायाब और यूनिक चीज़ थी।
तो मेरे हिसाब से यहाँ तो दुबई आप आएँ तो एक बार ज़रूर आ जाएँ, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलेगा चीज़ों को समझने देखने को, और ख़ास के जो दुबई का दो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, यानी ओल्ड दुबई और न्यू दुबई, तो ये अपने में यूनिक है। यानी एक तरफ आपको ऊंची ऊंची इमारत दिखेगी तो दूसरी तरफ वही 5 फ्लोर की इमारत, तो जो दुबई का जो पूरा इलाका है वो अपने में काफ़ी खूबसूरत यूनिक और नायाब है। सो फाइनली अब हम बाहर आ गए हैं, बाहर बहुत है गर्मी, अंदर थी काफ़ी ठंडक क्योंकि अंदर थी एसी, और बाकी यहाँ पे आज दुबई का मौसम ठीक है, ह्यूमिडिटी है, थोड़ी हवा चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। और बाकी आप मुझे देख रहे हैं, हमारे पीछे सुनहरी चीज़ आपको दिख रही होगी, तो यही वो इमारत है जिसके ऊपर हम थे। अब हम वापस नीचे आ गए हैं, तो आप ये देख रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, काफ़ी गर्मी का भी मौसम यहाँ पे अब फील होने लगा है हमें, क्योंकि ह्यूमिडिटी अपने उरूज पर अब पहुँच रही है। तो चलिए अब किसी और जगह चलेंगे तो आपको और भी यहाँ पर के कुछ अलग अलग नज़ारे दिखाएंगे। तो तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।